नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के NH1 पर स्थित रेनॉ के शोरूम से, जहां की हम बात करें, जहां रोज पर हर रोज एक नई गाड़ी देखने को मिलती है, लेकिन जब कोई खुद कार खरीदने का सोचता है तो हर किसी का सपना होता है कि उनकी कार कुछ यूनिक हो, नई हो, एक अच्छे फीचर्स के साथ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात जो लोगों के मन में रहती है वो है बजट, कि क्या उनकी पॉकेट उसमें जो है अलाउ करेगी या नहीं। तो इस समय आप लोग लाइव तस्वीरें रेनॉ के शोरूम से देख रहे हो, जहाँ पर आज रेनॉ टाइगर की जो है लॉन्चिंग की गई है। तस्वीरें इस समय आप लोग लगातार देख सकते हैं, जहां पर कस्टमर्स हो, ओनर्स हो, स्टाफ हो, सभी जो है इस समय मौके पर मौजूद हैं और टाइगर की आज यहां पर लॉन्चिंग की गई है। लगातार हम लोग आपको लाइव तस्वीरें कनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर दिखा रहे हैं और आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर भी ज़रूर कीजिए। क्या कुछ खास है रेनॉ टाइगर में, क्या कुछ नया जो है लोगों को अब इस कार में मिलने वाला है, वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। तो इसीलिए अपील यही रहेगी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी जो है वो की जा रही है, टाइगर को आज लॉन्च किया गया है, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि जिस तरीके से नई नई कार्स लॉन्च हो रही हैं, सड़कों पर देखने को मिल रही हैं, तो हर किसी को देख कर एक बार दिल करता है कि हाँ, हम लोगों ने भी एक नई कार लेनी है। अर्पित सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार हम उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, रेनॉल्ट एक नया जो है प्रोडक्ट लेकर आया है, क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? तो रेनो हैज़ ऑलवेज बिन वेरी इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग आउट न्यू मॉडल्स। तो ये 2012 में इन्होंने अपनी डस्टर पेशकश के साथ एक नई सेगमेंट क्रिएट करी, उसके बाद इट वाज फॉलोड बाय क्विड सक्सेस एंड देन इट मूव विद द ट्राइबर्स। सो अब एक नई गेम चेंजर जिसको कहते हैं सेगमेंट की बनाई गई है और ये बहुत सारे ग्राहकों को अपील करेगी। लगभग 50% भारतीय जो गाड़ियाँ लेते हैं उस सेगमेंट में ये गाड़ी आ रही है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस बहुत बहुत रीजनेबल है। इट स्टार्ट्स एट 5.45 लाख और बहुत अच्छा फीचर लोडेड है, बहुत अच्छी इसके अंदर इक्विपमेंट है। दो इंजन वेरिएंट्स के अंदर आएगी, टर्बो इंजन भी मिलेगा इसके अंदर CVT के अंदर, और अंदर से स्पेस वाइज दे हैव डन अ एक्सेलेंट जॉब। सो आई थिंक वी शुड ऑल आवर पीपल इन करनाल शुड कम डाउन टू द शोरूम्स एंड विजिट अस एंड हैव अ लुक एट द कार। तो जैसा कि सर ने भी कहा, एक बार आकर विजिट ज़रूर कीजिए। रेनॉल्ट की टाइगर जो है आज लॉन्च की गई है, डस्टर की बात करें अगर हम, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा जो है एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट ज़रूर रहा रेनॉल्ट का। उसके बाद हम बात करें ट्राइबर, जिसके बारे में जिसकी तस्वीरें भी हम लोगों ने आपको दिखाई थी, हालांकि उसके बाद आज टाइगर को लॉन्च किया गया और इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। तो गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है, क्या कुछ इसके फीचर्स हैं, क्या कुछ खास जो है इस बार रेनॉल्ट लेकर आया है, उसके लिए हम लोग यहाँ के जो स्टाफ के मेम्बर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप लोगों से अपील यही रहेगी, वीडियो को शेयर कीजिए और आगे की तस्वीरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज रेनॉल्ट की लॉन्च हुई है, लुक आप लोग इस समय देख सकते हैं, काफी यूनिक लुक के साथ, एक स्पोर्टी लुक के साथ जो है रेनॉल्ट एक और नई कार अपने सभी क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए लेकर आया है। फीचर्स क्या कुछ हैं उसके बारे में एक एक्सप्लेन्ड जो है जानकारी हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस समय मैं आपको लुक दिखा रही हूं। और USP की अगर हम बात करें, बूट स्पेस आप लोग खुद यहां पर देख सकते हैं, कहीं पर आप जाने का, क्योंकि 5 सीटर कार है, लेकिन अगर हम लोग उसके बाद लगेज की बात करें तो उसके लिए बूट स्पेस यहां पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। लुक आप लोग खुद इस समय यहां पर देख रहे हैं। सीटिंग एरिया की अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस कार जो है रहने वाली है। डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम जो यहाँ पर स्टाफ हैं उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग लगातार लाइव तस्वीरें कनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं और इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो भी लोग चाह रहे थे एक नई गाड़ी लेने का, रेनॉल्ट टाइगर की अगर हम बात करें क्यों ये बेहतरीन ऑप्शन रहने वाला है सभी लोगों के लिए, उसमें एक अहम बात जो है वो इसकी प्राइसिंग भी है। तो हम लोग सर से ही एक बार जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे रेनॉल्ट टाइगर जो कि आज ही लॉन्च हुई है, क्या फीचर्स हैं इसके, और सबसे पहले प्राइसिंग की अगर हम बात करें, किस प्राइस से जो है ये स्टार्ट हुई? मैम, इसकी प्राइसिंग काफ़ी मतलब यूनिक है, इस सेगमेंट में सबसे कम प्राइस में लॉन्च किया रेनॉल्ट ने। 5.45 लाख शोरूम इसका बेस मॉडल आया है और काफ़ी इंटीरियर भी लग्जरी इसमें दे रखा है, और फीचर की बात करें तो इस प्राइस में काफ़ी अच्छे फीचर दे रखे हैं जो कि इस सेगमेंट के किसी गाड़ी में नहीं मिलते अपने को। और इसमें इंटीरियर की हम बात करते हैं तो इसमें आपको 8 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है एंड्रॉयड AP एप्पल कारप्ले के साथ सर, और इसमें मोड्स आ जाते हैं काफ़ी अच्छे जो कि कस्टमर अपने हिसाब से ड्राइव कर सकता है रोड के हिसाब से, नॉर्मल मोड, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड। प्लस इसमें जो क्लस्टर मीटर आ जाता है 7 इंच में, जो कि मीटर की लुक भी डिफरेंट दी हुई है,
इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, हेड रूम लेग रूम काफ़ी कंफर्ट कस्टमर इसमें फील करता है। कूल बॉक्स इसमें दिए हुए हैं, इंटीरियर ग्लोव बॉक्स की जो इसमें जो ग्लोव बॉक्स है इसमें वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। 14 लीटर का साइड में ग्लोव बॉक्स दे रखा है, इंटीरियर दे रखा है टोटल। और इसमें बात करते हैं हम आर्म रेस्ट की, मतलब कस्टमर को इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छे फीचर मिलने वाले हैं और जो कस्टमर की ज़रूरत है जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कस्टमर की सभी जो ज़रूरतें हैं या जो एक सपना होता है जब कोई एक नई कार लेता है वो सभी इसमें ज़रूर पूरी हो रही हैं। 5.45 जो है इस समय जो बेस मॉडल रहने वाला है वो आपको काइगर का मिलेगा। अंदर से हम लोगों ने आपको लुक्स जो है कार की वो दिखाई हैं, जो फीचर्स हैं वो हम लोगों ने आपको दिखाया है। हेडरूम लेगरूम की अगर हम बात करें, बूट स्पेस की अगर हम बात करें या उसके अलावा जो इंटरनल फीचर्स थे, हालाँकि टेक्निकल पार्ट जो है गाड़ी का उसके बारे में भी हम लोग जानकारी ज़रूर लेना चाहेंगे, तो एक बार फिर से हम सर से बातचीत करना चाहेंगे। सर, बाकी फीचर्स के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि कुछ कस्टमर्स हमारे ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो इंजन मिलेंगे कस्टमर को उनकी चॉइस के हिसाब से, एक तो मैनुअल, एक एनर्जी इंजन मिलेगा और एक टर्बो इंजन मिलेगा। और जो एनर्जी इंजन है वो कस्टमर यूज़ भी कर रहे हैं ट्राइबर गाड़ी में, तो और इसकी जो फीचर है जैसे लाइटिंग, ओक्टा LED लाइट दे रखी है इसमें जो कि इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में नहीं आते हैं, और DRL लाइट दे रखी है, और फ्रंट इसका जो एकदम बोल्ड लुक में दे रखी है, पीछे स्पॉइलर वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। तो कस्टमर की चॉइस काफ़ी, मतलब कस्टमर को उनके पसंद के हिसाब से ये गाड़ी उनके लिए रहने वाली है, कि कंपनी ने रेंज काफ़ी अच्छी निकाली जी। बिल्कुल, सबसे बेहतरीन बात यही है कि किसी भी वर्ग के जो लोग हैं वो इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कम रेट पर जो है काइगर को लॉन्च किया गया है। लगातार लुक जो है वो आप लोग गाड़ी की यहाँ पर देख रहे हैं, स्पोर्ट्स, इको और नॉर्मल मोड जो है उसमें आप लोगों को ये गाड़ी मिलने वाली है। और भी हालांकि कुछ और लोगों से बातचीत हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो आप लोगों से अपील यही रहेगी कि हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हर कोई नई गाड़ी खरीदना चाहता है, लेकिन हर कोई बजट भी देखता है कि उसकी जेब में पैसे कितने हैं, और उसी के हिसाब से वो अपनी एक नई गाड़ी खरीदता है ताकि जब सड़क पर गाड़ी चले तो तमाम लोग उसे देखें। हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके बजट में एक बेहतरीन गाड़ी। गाड़ी का नाम है रिनॉल्ट काइगर, और इसकी क्या खासियत है और क्या क्या इस गाड़ी में नया आया है, विशेषताएं क्या है इस गाड़ी की, वो जानेंगे यहाँ के जो टीम लीडर हैं उनसे। और क्या कहना चाहेंगे, रिनॉल्ट काइगर एक नाम से जैसे जिस तरीके से टाइगर होता है, यानी कि वो अपनी रफ्तार में तेज़ होता है और उसकी खूब सारी विशेषताएं होती हैं, वैसे ही काइगर की क्या विशेषता। 23 साल पुराना, जो कि कस्टमरों के दिलों पर बिल्कुल छाया हुआ है, मतलब एक ट्रस्ट होता है वो पूरा है इसमें। काइगर की हम बात करते हैं इस सेगमेंट में, बी सेगमेंट 52% लोग इस सेगमेंट की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं आज के टाइम में। और ये जो डिफरेंट फीचर इस कंपनी ने दिए, फीचर्स बताइए गाड़ी के, फीचर्स क्या क्या बिल्कुल इसमें आपको मिलेगा सर। एक तो पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है एक्सेस की कार्ड के साथ। इसमें क्या है कि कस्टमर गाड़ी से दूर जाते ही गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी, गाड़ी के नज़दीक आएगा गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाएगी, कस्टमर ने जेब से ये की नहीं निकालनी है। प्लस इसमें 8 इंच की डिस्प्ले आ जाती है एंड्रॉयड AP एप्पल कारप्ले के साथ। ये कस्टमर अपने फ़ोन को विदाउट ऑक्स, विदाउट ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्ट कर सकता है। प्लस इसके साथ जो डिफरेंट फीचर है, यूनिक फीचर है, वायरलेस फ़ोन चार्जर। एक होता है कस्टमर USB लेकर नहीं चलता, ये वायरलेस फ़ोन चार्जर इसमें आ जाता है। इसमें इको मोड, नॉर्मल मोड आ जाता है जैसे ये। अब ये बात करते हैं, ये आ गया हमारा इको मोड, ठीक है सर। अब इसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स मोड, मतलब कस्टमर एक ही गाड़ी में इको मोड भी मिलेगा और स्पोर्ट्स मोड भी और नॉर्मल मोड भी। कस्टमर अपनी ड्राइव को सड़क के हिसाब से कर सकता है। इसका आप लेग रूम, हेड रूम सब कुछ आप देख सकते हैं कि काफी कंफर्ट है, ठीक है सर। ऑटो क्लाइमेट AC आ जाता है इसमें, ठीक है सर। ये स्लाइडिंग आ जाती है, ग्लोव बॉक्स आ जाता है, आर्म रेस्ट आ जाता है, और एक जो इसकी फिनिशिंग है वो काफी अच्छी दे रखी है। ये ग्लोव बॉक्स इसमें आ जाता है, और यहाँ तक कि ये कूल बॉक्स आ जाता है इसमें जो कि। और सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो सर इसमें 4 एयरबैग हैं, साइड मिरर फोल्डेबल है, ठीक है सर। और
जहाँ तक कि इंजन की बात करें, मतलब यहाँ तक एक अच्छे बजट में एक बेहतरीन गाड़ी टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, बुकिंग भी करवा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप रेनॉल्ट काइगर खरीदना चाहते हैं तो आप नेशनल हाईवे पर आ सकते हैं, असीम ऑटो प्राइवेट लिमिटेड रेनॉल्ट का जो शोरूम है, और यहाँ पर आप जब इस गाड़ी को आकर देखेंगे तो फिर आपका मन करेगा चलो बुक करवा ही लेते हैं।